बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा है। आप सबसे बार बार मैं रूबरू होता हूँ इसके पीछे। बचपन में मैंने जिन पीड़ाओं को सहा, बहुत सारे रोग, कभी पीलिया, कभी टाइफाइड, तमाम ऐसी बीमारियों से मैं जूझता रहा, तो मन में एक पीड़ा जो उन सबसे उभर तो गया योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, लेकिन मन में शांति नहीं रही। मन में बस एक ही ख्याल कि और भी दुनिया है जो इस सबसे पीड़ित है और उनको रास्ता नहीं मिल रहा। कोई डॉक्टरों के पास जा करके थक गया, कोई ऑपरेशन करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। तो एक सोच मन में, ऐसा एक भाव आया कि मुझे सबका इस तरह से मदद करनी चाहिए, उनका भला करना चाहिए, उनको उस दलदल से निकालने के लिए उनकी थोड़ी सी मदद अगर मैं करने में थोड़ा सा अगर सफल हो पाता हूँ तो भी मेरे लिए ये जीवन मेरा सफल है। तो आज मैं बात करूंगा बवासीर के बारे में। बवासीर का जो ऑपरेशन कराते हैं जा करके, क्योंकि दर्द सहा नहीं जाता, अब रास्ता मिलता नहीं, करे तो करे क्या, तो फिर वो ऑपरेशन के लिए भागता है। एक बार करा लेता है, फिर कुछ साल बाद फिर हो जाती है बवासीर। बवासीर को समझें, इसमें ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं होती। हमने हजारों लोगों को बिना ऑपरेशन के बवासीर से मुक्ति दिलाई है। एक छोटा सा प्रयोग ये मेरे पास है, आज मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसको समझ लेना, थोड़ा सा योग कर लेना बस, तो आपकी बवासीर कभी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात, बवासीर को समझे है क्या। बवासीर हमारी मल द्वार की जो नसें आसपास की हैं उनका कमजोर पड़ जाना है। खड़े होकर के पानी पीते रहते हैं, कभी खड़े खड़े खाना खाने लग जाते हैं, बहुत मिर्ची खाते हैं, लाल मिर्च का प्रयोग करते हैं, इससे भी बवासीर होती है। बहुत तली चीज़ें खाना, रात रात को भारी खाना खाना जिससे कि पेट को इतनी मुशक्कत करनी पड़े, इतनी मेहनत करनी पड़े कि फिर वो अपना आपा ही छोड़ देता है, ये सब चीज़ें बंद करो। और गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना, ड्राई फ्रूट कच्चा खा लेते हैं बिना भिगोया, और बिना मौसम की सब्जियाँ, बिना मौसम के फल खाए जाते हैं। बोले ये इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड की कोई कीमत नहीं होती भैया। जो अपना आसपास के क्षेत्र का उगा हुआ वातावरण, जिसको मौसम जिसको उगा रहा है, जो आपकी ऋतु के अनुसार है, अनुकूल है, उसी को खाओ, ये बड़ी बात है। और बवासीर में सबसे ज्यादा समझने की जरूरत होती है, बवासीर में नसें कमजोर पड़ती सारे शरीर में। बवासीर कोई रोग तो बाद में आता है, पहले हमारे सारे शरीर की नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ना शुरू होता है, उसी से फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती है। कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि बवासीर होने की संभावना उनको सबसे ज्यादा है। और जिनको बवासीर है उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको बवासीर होने की संभावना है, और जिनको बवासीर है हार्ट की प्रॉब्लम है, एक ही श्रेणी के रोग हैं सारे। उनकी नसें टांगों की भी वीक पड़ जाएंगी, उनको फिर वेरिकोज वेन हो जाएगा, टांगे नीचे से नीली नीली नसें दिखने लगेंगी। ये एक ही तरह की बीमारियां, देख लेना आप। आपको गैस ज्यादा बनेगी तो आपको बवासीर होगी ही, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि होगी ही, लेकिन उसको ठीक ना करेंगे तो समय के साथ 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 अगर उसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती गई तो बवासीर तो ये रूट तो गैस ही है पेट की। तो इसको समझें, मैंने एक प्रयोग यहाँ पर हजारों लोगों पे किया, ये इस तरह से आप देख लीजिए, काले रंग की एक भस्म है, इसको घर में ही बना लिया जाता है, इसी से आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी। मैं छुपा के नहीं रखता, कोई सस्पेंस नहीं रखता, कोई चीज़ जड़ी बूटी कोई ये नहीं कहूँगा हमारे से ही मिलेगी और हमारे पास आना पड़ेगा। अरे अपने पास आप जान लो और खुद करो, औरों को भी बांटो इसको। ये एक तो इसका कोई शुल्क नहीं लगता, एक इसका रिजल्ट 100% एकदम आता है कड़क। ये नहीं कह सकते आप कि भाई मैंने इसको भी कर लिया और मेरे को फायदा नहीं हुआ। इसको कर लेने से आपको 3 ही दिन में आपकी बवासीर, चाहे 10 साल पुरानी हो चाहे 25 साल पुरानी हो, ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन के लिए मत जाना, मैं फिर से कह दूं, क्योंकि ऑपरेशन में जाओगे, एक बार ऑपरेशन करवा भी लोगे, एक तो आपके मल द्वार की जो आसपास की नसें हैं, मसल्स हैं, वो और वीक होंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप ज्यादा देर रोक नहीं सकते मल को, इतना आप कमजोर हो जाएंगे। तो इसको करना क्या है, नारियल की दाढ़ी जो होती है ये इस तरह से, नारियल के जो अंदर खोल होता है सख्त वाला, वो नहीं, सिर्फ उसकी बाहर के भूरे भूरे रेशे, इन रेशों को इकट्ठा कर लो कहीं से, मंदिर से, किसी नारियल की दुकान से जहाँ नारियल फल आदि मिलते हैं, उनसे एक काफी सारे ले करके इसको जला दो, किसी साफ बर्तन में जला करके इसकी राख बना लो। राख बना करके इसको कपड़े से, जब ठंडी हो जाए तो पीस करके कपड़े से छान लो। कपड़े से छानना, मलमल के कपड़े से, पोनी से, किसी छन्नी से नहीं, क्योंकि उससे भी
कुछ तिनके आने का डर होता, तो वो तिनके गले में लगेंगे। तो कपड़े से छान करके उसको आप किसी एयर टाइट डिब्बी में या लिफाफे में या पाउच में बंद करके रख लें। एक छोटा चम्मच, कितनी मात्रा, शायद 3 ग्राम, इतनी की मात्रा सुबह रोज अगर आप छाछ से, छाछ माने दही जितनी लेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पानी मिला करके उसको आप अच्छे तरह से फेंट लें, और उसमें चाहे थोड़ी शक्कर मिला लें, चाहे थोड़े नमक, काली मिर्च मिला लें, तो आप उस छाछ के साथ सुबह खाली पेट 3 दिन ले लें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह शाम ले लें, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। सुबह भी खाली पेट और दोपहर को भी खाली पेट, खाने से आधा घंटा पहले, कितनी, 1 चम्मच से थोड़ी कम, और शाम को भी। शाम को फिर छाछ से नहीं लेते, शाम को फिर हम या तो कच्चे दूध से ले लेते हैं या फिर पानी से ले लेते हैं। एक दिन अगर प्रयोग करना है तो 3 बार ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि चलो 2-3 दिन लग जाए लेकिन मुझे फर्क पड़ना चाहिए, तो आप सुबह एक ही खुराक लें रोज 3 दिन तक, 3 से 5 दिन तक, तो आप देखेंगे बवासीर रही नहीं। बवासीर में खान पान का ध्यान रखो, लाल मिर्च बंद कर दो। लाल मिर्च अगर घर में आएगी तो फिर बवासीर ठीक नहीं हो सकती, लाल मिर्च से बचो। और ज़्यादा तली चीज़ें ना खाओ, ज़्यादा खड़े ना रहो, थोड़ा एक्सरसाइज ऐसी करो जिसमें आप टांगे ऊपर उठाओ शरीर की, उत्तान पादासन, हम अलग से, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के इसको सीख सकते हैं। उत्तान पादासन कर लेना, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, थोड़ा कपालभाति कर लिया, इसको समझो कि आपको सारा सिस्टम पे काम करना है। एक चीज मुझे बता दो भाई, एक चीज तो मैंने बता दी कि ये नारियल की दाढ़ी का भस्म करके इसको आप इतनी जितनी मात्रा मैंने बताई उतनी आप ले सकते हैं, तो ये बीमारी को ठीक कर देगा, लेकिन बाकी चीजें भी ठीक करो ना जिससे कि आपको दोबारा प्रॉब्लम ना हो। तो आप लाल मिर्च प्रयोग ना करें, बहुत ज्यादा बासी खाना ना खाएं, बहुत ज्यादा भारी भरकम पेट को यहाँ तक भरे नहीं, थोड़ा खाएं, हल्का खाएं, तो आपकी बवासीर रहेगी नहीं। अगर बवासीर रह जाए तो भी आपको सोचने की जरूरत पड़े, लेकिन बवासीर रहती नहीं है। मैंने ऐसा सैकड़ों लोगों पे खुद प्रत्यक्ष किया, और हमसे सीख करके हजारों लोग कर रहे हैं, और किसी की भी नहीं रहती। एक व्यक्ति को 25 साल से बवासीर थी और वो अब बवासीर नहीं है। इसी प्रयोग से हम बताएंगे आपको किस तरह से और भी सैकड़ों बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन समझना पड़ेगा कि हमें एक तो मनसा ठीक रखनी है, ये नहीं सोचना कि मेरे को कोई आके ठीक कर जाए मैं फिर वैसा का वैसा रहूं। ना तो नॉनवेज से आप ठीक हो सकते हैं, ना आप लाल मिर्च से ठीक हो सकते हैं। जो नॉनवेज खाएगा वो ठीक नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आप किसी की बद्दुआएं लेते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारा शरीर जो है वो नॉनवेज के लिए बना नहीं है। ये तो नॉनवेज तो मांसाहारी जानवरों के लिए है, बाकी सब खाएंगे तो हमारा जिंदगी खराब होगी। आप नॉनवेज खाना छोड़ेंगे तो बद्दुआएं आपको लगना बंद होगी, आप कहेंगे जी मुझे, मेरे दिल को हार्ट हुआ, मुझे क्यों कहा जा रहा है कि बद्दुआएं। हाँ, ये किसी का जीवन लेकर के, अगर हम आप किसी की जान लेकर के अपना पेट भरते हो तो ये कहाँ की समझदारी। और फिर उसकी जो बद्दुआएं हैं, जो उसकी आह थी, चीख थी, वो आपके पीछे पीछा करेगी, आपको छोड़ेगी नहीं। इसीलिए सबसे पहले नॉनवेज छोड़ें, लाल मिर्च छोड़ें, और फल ज़्यादा खाएं। खाने से पहले फल खाने, खाने के बाद फल खाने से नहीं कोई फायदा होगा। खाने से पहले फल खाना, छिलके वाले फल खाना, छिलका जिस चीज पे है उसको उतारो ना, चाहे वो चने के ऊपर है, भुने चने के ऊपर है, चाहे वो दालों के ऊपर है। धुली दालें नहीं खानी आपको, छिलके वाली खानी है, फल खाने हैं, चोकर वाली रोटी खानी है, चोकर थोड़ी और ज्यादा डालनी है, गाय का घी लेना है, आंतों को खुश्क नहीं रहने देना। कब्ज रहती है बवासीर वाले लोगों को, इसका ध्यान रखना, कब्ज अगर रहेगी तो फिर बवासीर होगी। इसीलिए कब्ज रहती है तो 1 चम्मच एरंड का तेल रात को दूध में डाल करके पी लो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं अगर गर्म चीज लेनी, क्योंकि शुरू में एरंड का तेल भी गर्म करता है, ये सर्दी की चीज है। अगर गर्मी में कब्ज है तो कब्ज को पहले ठीक करो, बवासीर को ना ठीक करो। वैसे तो इस औषधि से कब्ज भी ठीक होती है, लेकिन कब्ज के लिए सबसे बढ़िया दवाई है गाय का घी और बादाम रोगन। बादाम रोगन को दूध में डाल के धीरे धीरे लेना शुरू करो, थोड़े ही दिनों में आपकी आंतें लुब्रिकेशन से एकदम नम हो जाएंगी, आंतों में नमी आ जाएगी, आंतें खुश्क रहेंगी तो बवासीर होगी। तो आप आंतों को पहले नरम करो, आंतों में लुब्रिकेशन पहुंचाओ, ताकि आपकी बवासीर भी ठीक रहे। आज इतना ही, फिर मैं किसी और प्रयोग के साथ आपसे मिलूंगा।